नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। पहाड़ समाचार। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 55 संक्रमित मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 62 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 692 पहुंच गई है। प्रदेश में गुरुवार को ब्लैक फंगस के 3 मरीजों ने दम तोड़ा। 24 घंटे के भीतर कोई नया मामला नहीं मिला है। 12 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया है। तो कोरोना में 24 घंटे में 55 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी 17 जुलाई से पूरे प्रदेश में बिजली गारंटी अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के माध्यम से आप कार्यकर्ता 20 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचेंगे। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान आप प्रवक्ता रविन्द्र आनंद और नवीन पिरशाली ने कहा कि केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी दी थी, और जिससे उत्तराखंड बनने के बाद 20 सालों में पहली बार भाजपा व कांग्रेस को भी फ्री बिजली देने की याद आ रही है। तो आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर, उत्तराखंड में चुनाव है इसको लेकर दिल्ली मॉडल का सहारा लिया है। उत्तराखंड में भी उन्होंने बिजली फ्री का नारा दिया है। उन्होंने कहा था अपने वक्तव्य में कि जिस तरह से जहां बिजली बनती है वहां पर भी उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर बिजली उपयोग में लानी पड़ती है, लेकिन उनकी सरकार आते ही, आम आदमी की सरकार उत्तराखंड में बनती ही, बिजली 300 यूनिट तक मुफ्त में दी जाएगी उपभोक्ताओं को, और इससे ऊपर में भी छूट का दायरा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बिजली फ्री का नारा पहले दिया था, उसके 20 सालों में पहली बार भाजपा और कांग्रेस को भी फ्री बिजली देने की याद आ रही है। तो केजरीवाल पहुंचे थे उत्तराखंड दौरे पर, इस दौरान उन्होंने वहां की जनता के साथ संवाद किया। वहीं उत्तराखंड से रजिया बेग आप नेत्री हमारे साथ जुड़ चुकी है। रजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो यूनिट बिजली फ्री देने का वादा लेकर आप आम आदमी पार्टी वहां पर उत्तराखंड में भी आ गई है, और अब आपको एक नया एजेंडा भी मिल गया है कि आपको लोगों के बीच जाना है और उन्हें बताना है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, केजरीवाल जी ने 11 तारीख को ये घोषणा की थी कि 300 यूनिट बिजली उत्तराखंड में, जो कि ऊर्जा प्रदेश है, उसके लिए मिलनी चाहिए लोगों को, और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ कि किस तरीके से हमें 300 यूनिट बिजली हम दे सकते हैं, कोरा वादा हमारा नहीं है। हम धरातल पे जिस प्रदेश में कभी बिजली बनी नहीं, बनती नहीं, दूसरी जगह से हम उधार लेके बिजली को चलाते हैं, और जबकि यहाँ पे बिजली है ऑलरेडी। तो पूरी प्लानिंग है, पूरी बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की हुई है, और एक रोड मैप हमारा बन चुका है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली हम किस तरह देंगे, उसमें कोई शको शुबा नहीं है 300 यूनिट बिजली देने का। बिजली गारंटी अभियान की बात की जा रही है, किस तरह से आप लोग गारंटी देंगे लोगों को, किस तरह से लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करेंगे कि 300 बिजली मुफ्त, और यही नारा क्यों उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड के लिए ये नारा बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदेश कहलाता है। दूसरी बात हमारी तैयारियों की है, तो हम कल से हमारा ये 300 यूनिट बिजली की जो गारंटी कार्ड है वो हम प्रत्येक उत्तराखंड के हर इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को ये बताने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से आपको बिजली देंगे और किस तरीके से उनका विश्वास हमारे ऊपर होगा। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आज भी हमारी मीटिंग है, कल हमारा जो है अभियान शुरू करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे इस अभियान के लिए। तो अब जब ग्राउंड पर जाएंगे, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाएगा और लोगों को ये समझाएगा कि किस तरीके से हम बिजली देने जा रहे हैं अगर हमारी सरकार आती है। लेकिन रजिया जी, तो लगातार विपक्ष भी इसी मुद्दे को लेकर आपको घेर रही है कि हर जगह बिजली मुफ्त देना एक उपाय नहीं होता, और ये नारा हर जगह ही आम आदमी पार्टी लेकर उतर जाती है कि बिजली मुफ्त देंगे, जैसे दिल्ली में उन्होंने किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने यही नारा दिया, और अब उत्तराखंड में भी। तो फिर जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं मुझसे ये पूछते हैं कि आप जनता को बताएं कि तुम बिजली मुफ्त ना दो, जब जब सारा एमपी एमएलए और मिनिस्टर्स के घर में बिजली जा सकती है मुफ्ती, और सारी जिंदगी वो मुफ्त बिजली को लेते हैं, तो उन्हें दिखाई नहीं देता कि हम कितनी सरकार की बिजली का इस्तेमाल करते हैं और मुफ्त करते हैं? वो देखें अपने पहले कि हम किस तरह से सरकार को लूटते हैं। और जहां तक हमें घेरने की बात है, तो कांग्रेस अपना जब हमने शुरू में भी ये अभियान किया था तो उस समय भी कांग्रेस ने कहा था हम 100 यूनिट बिजली देंगे,
और भाजपा ने उत्तराखंड के अंदर अपना डिक्लेयर कर दिया कि हम 100 यूनिट बिजली देंगे, तो एक तरफ हमको कंट्राडिक्ट करते हैं चीजों के लिए, दूसरी तरफ ये खुद उन बातों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों का कोई भी विश्वास नहीं है किसी चीज के लिए। जहाँ सियासत होती है, ये सियासत को लोगों की गर्दन कटा के भी रसिया जी, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और मुद्दा आपको नहीं लगा उत्तराखंड में, जिसके जरिए आप लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर ये विश्वास पैदा कर सकते थे और अपनी जमीन को मजबूत कर सकते थे राजनीतिक? मनीष सिसोदिया जी यहाँ आए फरवरी में, हमने अभियान चलाया स्कूलों का, उत्तराखंड के अंदर जिन जर्जर स्कूलों की हालत थी वो हमने दिखाए, स्कूल का मुद्दा हमने उठाया, पानी का मुद्दा यहाँ पे बहुत बदतर से बदतर, मैं तो राजपुर रोड में रहती हूँ, यहाँ इस टाइम भी पानी नहीं आ रहा है। तो सारे मुद्दे न केवल ये बल्कि रोजगार के मुद्दे को केजरीवाल जी ने बहुत सीरियस तरीके से लिया, और उत्तराखंड की जनता के लिए जो बच्चे हमारे आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रोड पे चले आ रहे हैं, और वो भी डिग्री होल्डर बच्चे। तो हमारा मुद्दा सिर्फ बिजली नहीं है, रोजगार, पलायन और जितने हमारे स्कूल्स के मुद्दे हैं और दूसरे मुद्दे जो है, हमारे महंगाई का मुद्दा है, हम सब मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं मुद्दे। बहुत बहुत शुक्रिया रजिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने मुद्दों को जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर बिगुल फूका और उन्होंने बिजली मुफ्त की बात कर दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेत्री भी जुड़ी थी रजिया जी, जिन्होंने बताया कि हम और भी मुद्दों को लेकर मुखर हो रहे हैं लेकिन बिजली का मुद्दा जो है वो सबसे अहम है, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाके अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये गारंटी देंगे कि वो उनकी सत्ता आने के बाद 300 यूनिट बिजली लोगों को फ्री मिलेगी। बाजपुर के गजरौला में इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। शिक्षा कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, खंड शिक्षा अधिकारी हवलदार प्रसाद, उपखंड शिक्षा अधिकारी प्रेमा बिष्ट, प्रधानाचार्य नारायण सिंह द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। शिक्षा कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि सरकार द्वारा उत्तराखंड में विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित किया जा रहा है, जिससे गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तर्ज पर शिक्षा मिल सके। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि देश विदेश के करीब अभिभावकों की चिंता को लेकर सरकार द्वारा चलाई गई उत्तर विद्यालय योजना के अंतर्गत विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय में चयन किया जा रहा है, जिसमें बाजपुर विधानसभा के गजरौला इंटर कॉलेज को चयनित किया गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी पहुंचकर 12 लाख रुपए की लागत से बने बिना जिला अधिवक्ता संघ चैंबर का लोकार्पण किया। अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कई लोग मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने कोट ब्लॉक स्थित फलस्वाड़ी पहुंचकर माता सीता के मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। उत्तराखंड में अब तीर्थ स्थलों पर हुड़दंग और मर्यादाओं को पार करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस सख्त हो गई है। बता दें कि पिछले दिनों हरिद्वार में हुए हुक्का कांड के बाद अब प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत कर दी गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने ऑपरेशन मर्यादा को लॉन्च किया है, जिसमें अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो तीर्थ स्थलों पर मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। डीजीपी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों से लेकर तीर्थ स्थलों तक की मर्यादा बनी रहे, इसके लिए इस मर्यादा ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। तो मर्यादा ऑपरेशन इसकी अभियान की शुरुआत की गई है, क्योंकि पिछले दिनों अगर आप जानते होंगे कि कुछ लोग मिले थे जो गंगा घाट के किनारे बैठकर हुक्का पीते हुए पाए गए थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की थी, और उन्हीं को देखते हुए ये मर्यादा अभियान चलाने की शुरुआत की गई है, ताकि लोग ये समझ सके कि तीर्थ स्थल पर इस तरह की बेहूदगी और इस तरह की बेशर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको लेकर इस तरह की हुड़दंगई करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। तो डीजीपी उत्तराखंड ने पर्यटक स्थलों से लेकर तीर्थ स्थलों की मर्यादा बनाए रखने के लिए मर्यादा ऑपरेशन चलाया है। तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, मर्यादा ऑपरेशन को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा, किस तरह की तैयारियां की जा रही है?
तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार पर्यटक मसूरी, देहरादून, हरिद्वार सभी तीर्थ स्थलों पर जो वो आ रहे हैं वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वहाँ की अभद्रता फैला रहे हैं, वहाँ पे बैठ के मदिरे का सेवन कर रहे हैं, वहीं पे हुक्के का सेवन कर रहे हैं। तो उसी को रोकने के लिए अब पुलिस द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया, मर्यादा अभियान, जिसमें जी जो भी व्यक्ति या जो भी पर्यटक बाहर से आने वाला स्थानीय इस सड़क पे किसी भी प्रकार की गलत हरकत करते पाया जाता है या कोई भी नशा या कोई भी उसका पीते पाया जाता है, उसके ऊपर सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसके अंतर्गत नियम या इसकी धाराएं बनाई जाएगी उसके अंतर्गत इनका चालान किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह का मर्यादा का उल्लंघन करते लोग पाने जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। बाजपुर में महिला कांग्रेस प्रदेश प्रभारी परमिंदर कौर ने लाइब्रेरी पहुंचकर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें बूथ से लेकर संगठन को मजबूत करने एवं विस्तार करने की चर्चा की गई। महिला कांग्रेस प्रदेश प्रभारी परमिंदर कौर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उत्तराखंड में आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही कार्यकर्ताओं को अपनी कमर कस लेनी चाहिए और बूथ लेवल पर सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन का विस्तार करना बहुत ही जरूरी है। सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की नीतियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराएं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी परमिंदर कौर, बाजपुर विधानसभा में आई हूँ देखने, एक तो ब्लॉक कमिटीज, बूथ कमिटीज संगठन को मजबूत करने के लिए जहाँ नहीं बनी है वहाँ बनाने आए हैं। क्या रही हम ब्लॉक्स कमेटीज़, बूथ कमेटीज़ तक पहुँच के अपने संगठन को मजबूत करेंगे। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस हर घर घर तक पूरी अपनी आवाज़ पहुँचाएगी, बूथ तक, और संगठन को मजबूत करेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने देश और प्रदेश में जनता की कमर तोड़ रखी है। जनता समझ चुकी है कि बीजेपी ने बहुत मजाक उड़ाया है, कमर इतनी टूट गई है, इतने तंग आ चुके हैं, इतने दुखी आ चुके हैं, अब घर घर से आवाज आ रही है कि कांग्रेस को। हरिद्वार के गणमीरपुर में आगामी बकरीद के त्यौहार के लिए प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इस बार भी ईदगाह और मस्जिदों में 5-5 लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे। हरिद्वार पुलिस प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए जारी गाइडलाइंस को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। उसी के मुद्दे पर SSP हरिद्वार के द्वारा सभी थाने चौकियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में क्षेत्र के लोगों के साथ एक वार्ता कर सभी को प्रशासन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। ऋषिकेश में नामी सर्राफा व्यापारी की पत्नी के साथ धोखाधड़ी करने वाले पाखंडी बाबा प्रियव्रत अनिमेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे 3 दिन की रिमांड पर गिरफ्तार किया है। पुलिस अब फर्जी बाबा की निशानदेही पर व्यापारी से ठगे गए जेवर और नकदी की बरामदगी करेगी। ऋषिकेश के स्वर्ण व्यापारी की तहरीर पर फर्जी बाबा योगी प्रियव्रत निवासी आजाद नगर पानीपत हरियाणा को बीते 11 जुलाई को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने न्यायालय में फर्जी बाबा की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन किया था, जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश मनमोहन के न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई। तो फर्जी बाबा के खिलाफ सर्राफा व्यापारी ने मामला दर्ज करवाया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई होगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें आपको कि फर्जी बाबा पानीपत हरियाणा का निवासी है प्रियव्रत अनिमेश आजाद नगर पानीपत हरियाणा को बीते 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं हमारे साथ इस खबर पर अमित जुड़ चुके हैं। अमित, इस बाबा को हालांकि हिरासत में तो ले लिया गया है, लेकिन कितनों के साथ और धोखाधड़ी है और कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? जी,
जैसा कि देखा जा रहा था, ये जो बाबा है हरियाणा का रहने वाला था और वहाँ इस पे हरियाणा पे भी काफी मुकदमे दर्ज थे और ये ऋषिकेश में आके अध्यात्म की तरफ गया और अध्यात्म की लेकर जो जुड़ी कई फोटो इन्होंने अपने फेसबुक पर वायरल की, जिससे इनके संपर्क में कई लोग आए और लगातार लोग इनसे लूटे जा रहे थे, लोगों को लूटने का काम कर रहे थे, ठगी कर रहे थे। लेकिन अचानक एक जो जाना माना ज्वेलर श्री ऋषिकेश का, उसकी वाइफ भी इनके संपर्क में आई, जिनसे उन्होंने लाखों के करोड़ों की ठगी करी, उसको लेकर इनकी गिरफ्तारी भी है। अब ये अंतिम तौर पर इनको पुलिस ने कार्रवाई करी और जिसके न्यायालय में पेश किया था, जिसके बाद पुलिस ने इनसे रिमांड मांगी और पुलिस ने अर्जी की है रिमांड की और रिमांड की अपील जी ठीक है, रिमांड पर लेकर पूछताछ पुलिस द्वारा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पौड़ी में एसडीएम डॉक्टर एस के बरनवाल की अध्यक्षता में परियोजना कोटद्वार की जिला स्तरीय तकनीकी और मार्गदर्शन समिति की प्रथम छमाही बैठक आयोजित हुई। बैठक में रेखीय विभाग के अधिकारी द्वारा पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिला स्तरीय तकनीकी एवं मार्गदर्शन समिति के कार्यों एवं दायित्व आवंटित ब्लॉक के चयनित गाँव में होने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी को साथ में लेकर प्लान बनाएं, जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। साथ ही उपस्थित ग्राम प्रधानों से बातचीत कर कहा कि गांव में बैठक कर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दे, ताकि ग्रामीण उसका अधिक से अधिक लाभ ले सके। ऋषिकेश में तेज रफ्तार खनन डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक किशोर और किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने किशोरी और किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि स्कूटी के नंबर के आधार पर पुलिस परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ डंपर चालक दो मौके से फरार हो गया, लेकिन डंपर पुलिस के कब्जे में ही है। ये वीरपुर खुर्द तिराहे से एक तेज गति से रेत का डंपर भरा हुआ है, ये आ रहा था और इसके आगे जो है एक लड़का एक लड़की स्कूटी पे वाइट कलर की एक्टिवा पे आ रहे थे, तो पीछे से डंपर ने उसको टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद वो अनियंत्रित होकर स्कूटी छटक गई और वो दोनों बच्चे जो हैं एक लड़का लड़की ट्रक के टायर की चपेट में आ गए, दोनों की मौत हो गई। डंपर चालक बता जा रहा, डंपर चालक ने शराब पी हुई थी, जब उसको उतारा डंपर से उससे बातचीत करी तो अब बेहोशी की हालत में था। पौड़ी में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए ICICI फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रीजनल ट्रेड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस उत्तराखंड मनीष मल्होत्रा ने DM डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे को करीब 8 लाख की बिलेवेल स्लीप क्यूब एवं मास्क फुल फेस देकर अपने संस्थान की ओर से सहयोग दिया। फाउंडेशन ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग से देने की बात कही। DM डॉक्टर जोगदंडे ने ICICI फाउंडेशन की इस पहल के लिए धन्यवाद दिया उनका। तो डॉक्टर जोगदंडे ने ICICI को धन्यवाद दिया। बता दें कि फुल फेस शील्ड साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ रीजनल ट्रेड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस उत्तराखंड मनीष मल्होत्रा ने DM डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे को करीब 8 लाख की बिलेवेल स्लीप क्यूब एवं मास्क फुल फेस देकर अपने संस्थान की ओर से सहयोग दिया है। बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे।